चलिए, हम लोग ग्राम प्रधान इंजानी पंचायत भवन पे उपस्थित हैं और यहाँ पर पंचायत के प्रतिनिधि, सरपंच और बहुतायत मात्रा में पंचगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं विशेष रूप से जो सचिव ग्राम पंचायत इंजानी के जो सचिव हैं, जो ग्राम पंचायत इंजानी के वर्तमान पदस्थ सचिव राम रूप सिंह मरकाम हैं, इनके कार्यशैली से यहाँ के सरपंच और यहाँ की जनता काफ़ी परेशान हैं, कहा जाए त्रस्त हैं। इस संदर्भ में मैं विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित यहाँ के पंच, वरिष्ठ पंच अरुण पटेल जी उपस्थित हैं। मैं एक बार उनसे बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम? अरुण कुमार पटेल। आप इस ग्राम पंचायत निजानी के पंच हैं जी। अब मैं सचिव के कार्य शैली के बारे में आपसे दो मिनट बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप सचिव के कार्यशैली से कहाँ तक खुश हैं? सचिव के कार्यशैली से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ना सरपंच खुश हैं। सचिव के साथ मिलकर हम लोग काम ही नहीं करना चाहते। अच्छा, आपका कहना है कि सचिव के कार्यशैली से आप खुश नहीं हैं, उनसे आप काम करने से असमर्थ हैं जी। हमने अभी आप लोगों ने एक जानकारी दिया हमें कि फर्जीवाड़े तरीके से 14,000 कुछ रुपए वो आहरण किए हैं। इस संदर्भ में आप मुख्य कार्यपालाधिकारी वाडप नगर को भी सूचना दिए हैं। यहाँ ये कार्यवाही आपका कहाँ तक पहुँचा है, इस संदर्भ में आपसे पूछना चाहूँगा। रेडी। 14,000 रुपए के चेक के संबंध में सामान्य सीओ साहब जनपद पंचायत वाडप नगर को हम लोग आवेदन दिए हैं और उसकी जांच हुई कि नहीं सर अभी तक? उसकी जांच यहां हो गई है। जांच में क्या मिला? जांच में सचिव दोषी पाया गया है और आज दिनांक तक कार्रवाई उसके ऊपर नहीं किया गया है। दो बार 100 का नोटिस सचिव को मिला है, जवाब दिया कि नहीं दिया, आगे की कार्रवाई क्या हो रहा है हम लोगों को नहीं पता। आपका क्या नाम है? सिंह। आप ग्राम पंचायत इंजानी के सरपंच हैं। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपके सचिव हैं, पदस्थ जो यहाँ सचिव हैं, ये कार्यालय में कितने समय उपस्थित रहते हैं? बैठक होता है, नहीं बैठक नहीं है। बैठक होता है तो आते हैं, इसके बाद नहीं आते हैं। कार्यालय बंद रहता है? हाँ। बैठक के बाद कितने दिन से लगभग कार्यालय बंद है? एक महीने से बंद है। हाँ। इस कोरोना के दौर में आज लोग इस कोरोना बीमारी से लोग जूझ रहे हैं और सचिव का एक महीने अता पता नहीं है। नहीं। तो गांव वाले किस हद तक, गांव वाले तो वो तो परेशानी होता होगा यहाँ पर? हाँ, परेशानी होता है। हाँ। चलिए, गांव के एक और पंच हैं, युवा पंच हैं, विक्रम सिंह। मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा कि सचिव का कार्यकाल कैसा है आपके यहाँ का? हमारे यहाँ के सचिव का कार्यकाल, उनका विचार देखने से तो हमको लगता है कि वो सिर्फ 420 ही करना चाहते हैं। कहे कि हम लोगों के यहाँ जो बैठक में जो राशि आहरण करने का जो बात हुआ था, जिसमें से उन लोग निकाले हैं 37,000 रुपए और दूसरा निकाले हैं 78,900 रुपए। और सरपंच द्वारा हमको जानकारी मिला कि सचिव साहब फर्जी तरीके से चेक में साइन करवा के 14,300 रुपए का भी आहरण कर लिए हैं, जिसका आज तक हम लोगों को कोई इसका जानकारी सचिव साहब ने नहीं दिया है, जिससे हम लोग भारी नाखुश हैं। चलिए, धन्यवाद।